हाय, आप देख रहे हो ओजल किचन। आज हम देखेंगे ब्रेड पैटीज। आप ब्रेड पैटीज के कंटेंट स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये पूरा वन बाउल में पूरा एक पैकेट मैंने ब्रेड लिया है। वन बाउल बेसन लिया है, अजवाइन लिया है, स्वादानुसार नमक लिया है। अब ये भिगोना है। भिगोने के लिए मैंने इसमें स्वादानुसार नमक और अजवाइन डाला है। एक चुटकी सोडा डाल रही हूँ अभी, खाने का सोडा डालना है। और ये पूरा, ये मैंने आलू की सब्जी के लिए आलू लिए हैं और इसको उबाल के लेना है। आलू की सूखी सब्जी आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, दूसरे वीडियो में, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब ये स्लाइस लेके इसको मैंने आलू की सब्जी लगा ली है पूरी। इस पे दूसरा एक स्लाइस रखने वाली हूँ, ये रख दिया अभी। अब इसको अच्छी तरह से कट करके लेना है, पूरा ऐसा बीच में से कट कर लेना है। और इसके और छोटे टुकड़े कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी आप कर सकते हो। पूरा एक ये छोटे छोटे पीसेस दिखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने खाने में भी इजी जाता है। अब ये मैंने पूरे कट करके तैयार कर लिए हैं। पूरे ब्रेड को ऐसे ही लगा लेना है। अब ये भिगोने पूरा भिगा लेंगे इसको, हरा धनिया डाल के। ये मैंने अभी ये पूरा भिगो लिया है। अब इसमें ये स्लाइस ऐसा डिप करके पूरा भिगो के तेल में इसको छोड़ देना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करें क्योंकि आप मेरे लेटेस्ट रेसिपी देख सकें। अब ये अच्छी तरह से इसको पलटा पलटा के पूरा दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। इसको थोड़ा सा लाल कलर हो देना है इसका। ये रेसिपी बहुत जल्दी हो जाती है और आप इसको बच्चे के टिफिन में भी दे सकते हो। और बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। अगर आपके आलू की सब्जी बची है तो आप ये इसका पैटिस बना के खा सकते हो। और अगर आपको पुदीना पसंद आता है तो एक स्लाइस को पुदीना लगा के वो भी आप ट्राई करके उसको लगा के खा सकते हो। अभी ये मेरा पूरा डिश तैयार है और ये अभी आपको कैसा लगा वो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बता